नमस्ते। उत्तरकांड के पिछले अंक में हमने देखा कि भगवान श्री राम सनकादि मुनि से कहते हैं कि किस प्रकार उनके दर्शन मात्र से ही श्री राम का जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि संतों की संगति से जन्म मरण का जो पाश है उससे मुक्ति मिल जाती है। आगे देखते हैं क्या होता है। सुनी प्रभु बचन हरषि मुनिचारी, पुलकित तन अस्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु के ऐसे वचन सुन करके जो चारों मुनि हैं वह हर्षित होते हैं और पुलकित शरीर से भगवान श्री राम की स्तुति गाते हैं। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित हैं, अनंत हैं, आप विकार रहित हैं, पाप रहित हैं और अनेक रूपों में आप प्रकट हैं, व्याप्त हैं, परंतु फिर भी आप एक हैं, अद्वितीय हैं और करुणामय हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमण जय भोधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। यहाँ भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की व्याख्या की गई है, उसका गुणगान किया गया है। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुण के समुद्र आपकी जय हो। आप सुख के धाम हैं, अत्यंत सुंदर हैं, हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी को धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। आप सभी उपमाओं से ऊपर हैं, उपमा रहित हैं, अजन्मे अनादि हैं और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, राम अनेक अनाम निरंजन। और यहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास के काव्य को देखिए, कितना सुंदर है। कहाँ से इतनी सुंदर उपमाएं लेकर के आते हैं हमें। यह प्रभु की भक्ति है और प्रभु का आशीर्वाद है। तो सनकादि मुनि कहते हैं भगवान श्री राम से, उनका गुणगान करते हैं कि भगवान आप ज्ञान के भंडार हैं, आप स्वयं ज्ञान हैं, मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं, इन सब मान से भी परे हैं आप। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं, आप तत्व को जानने वाले हैं और की हुई सेवा को मानने वाले हैं, आप अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन अर्थात माया रहित, आपके अनेक अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, आप सभी नामों से परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बससि सदा हम कहूं परिपालय। द्वंद विपति भव फंद विभंजय, हृदय बसी राम काम मद गंजय। आप सर्वरूप हैं, सभी में व्याप्त हैं, सभी के हृदय रूपी घर में आप सदा निवास करते हैं, अतः हे प्रभु हमारा परिपालन कीजिए। राग और द्वेष, अनुकूलता और प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु, ये जो द्वंद्व हैं, जो विपत्ति है, इन सभी के जाल को आप काट दीजिए। हे भगवान श्री राम, आप हमारे हृदय में बस करके काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अन पायनी देहु हमें श्री राम। हे परमानंद स्वरूप भगवान श्री राम, हे कृपा के धाम, मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले श्री राम, आप हमें अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। नमस्ते।